चला के दिखाना भैया एक दो। हाँ? ये चला के दिखाना बॉल बाल सी कितने की है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि 5 तारीख को जो है दशहरा था, और अगर आपको नहीं पता है कि हनुमानगढ़ में कहाँ पर रावण का दहन हुआ था और आप या बिजी थे नहीं जा पाए थे, तो आपने हमें किस लिए सब्सक्राइब कर रखा है। हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या सीन था, क्या कुछ हुआ वहाँ पर, और आपका जाना वर्थ था या नहीं था। तो वर्थ था या नहीं था वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है। तो वहाँ जाने का मतलब कुछ था नहीं वैसे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और इतना खास कुछ वहाँ प्रोग्राम था नहीं। सच बताऊँ तो वैसे तो मतलब काफ़ी मेहनत की थी लोगों ने, मगर जितनी वहाँ भीड़ हो गई थी ना वो वर्थ नहीं थी, क्योंकि जो छोटे बच्चे भी थे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और बड़े लोग भी थे, सब परेशान ही हो रहे थे। और बाकी बात करूँ मैं मज़े की, तो वो वहाँ पर बहुत आए थे। चला के दिखाना भैया एक दो। हाँ? ये चला के दिखाना बॉल बाल सी, चला के दिखाना कितने की है। 20 रुपए की। तो माहौल की बात करूँ मैं तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था, मगर मज़ा वहाँ आ रहा था जहाँ ये रोड वगैरह थी, क्योंकि रोड के साइड्स में ही ये शॉप्स लगी हुई थी। और बाकी जो जहाँ रामलीला हो रही थी, पंडाल वगैरह लगे हुए थे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और बाकी इन्होंने एक अच्छा काम किया था कि ये फायरवर्क्स चालू कर दिए थे, आधा या 1 घंटा पहले चालू कर दिए थे, तो यहाँ पर खड़े होकर बंदा बोर नहीं हो रहा था। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बट भीड़ फिर भी बहुत ज़्यादा ही थी यार। राजस्थान सरकार पवन जी के द्वारा से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और दो शब्द अवश्य कहें। सबसे पहले तो मैं रामलीला बच्चन समिति, देखिए राम जी की सेना कृपया पुतलों के पास आए ताकि पुतले दहन की कार्रवाई की जाए। अभी रावण के पुतले के साथ युद्ध होगा और उसके बाद दहन होगा। तो जैसे ही तीनों पुतलों का दहन होता है तो कुछ साधारण लोग हैं जो वो घरों की तरफ निकल लेते हैं, और जो कुछ महाबुद्धिजीवी हैं ना, वो रावण के जो पुतले हैं ना उनकी तरफ दौड़ के जाते हैं और उनकी लकड़ियाँ छीनने लग जाते हैं एक दूसरे से। पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है, पुलिस वाले भी बेचारे क्या कर सकते हैं इतनी भीड़ को देखकर। तो काफ़ी वहाँ पर ऐसे दंग सा मचा देते हैं, पता नहीं इनको क्या मिलता है। बाकी इनकी श्रद्धा है, अपने कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ये लोग जो है वो अपना काम कर रहे हैं, तो अपने जो है अपना काम करते हैं। तो अपने चलते हैं कुछ आर्टिस्ट के पास और उनसे ही बात करते हैं। तो पहले जैसे ही मैं जाता हूँ तो अपने को सीधे रावण जी ही मिल जाते हैं। तो रावण जी से चलो अपने बातचीत करते हैं। तो वैसे उस टाइम पे मेरे पास माइक नहीं था, तो सीधे सीधे वैसे ही हाय हेलो किया हमने और बाकियों से मिले। तो रावण जी से मिलने के बाद मैंने सोचा बाकियों से भी मिला जाए, मगर थोड़ा सा टाइम हो गया था और ना बाकी सब जो लोग हैं उन्होंने मेकअप वगैरह उतार दिया था और जो गेटअप था उनसे चेंज कर लिया था। तो फिर उनसे बातचीत नहीं हो पाई और वीडियो नहीं ले पाया मैं उनकी भी। तो बस इतना ही था, और बाकी अब घर जाने का टाइम था। तो भीड़ वैसे भी बहुत ज़्यादा थी और बाइक मैंने काफ़ी दूर खड़ी की थी, तो इसी चक्कर में थोड़ा जल्दी जाना पड़ा मुझे। और हाँ, जैसे मुझे पता है ये व्लॉग इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि यार इसमें मैं अकेला भी था, प्लस जो अपना माइक है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इस चक्कर में थोड़ा और अच्छा शूट नहीं कर पाया।